हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में, आज की क्लासेस में, आज के लेक्चर में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या चर्चा करने वाले हैं? आवेशन क्या होता है, आवेशन क्या होता है और आवेशन की विधियां क्या होती हैं। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा किया था विद्युत आवेश। पूर्ण रूप से हम लोगों ने जान लिया था विद्युत आवेश क्या होते हैं और पूरी डिटेल से जानकारी लिए थे। प्यारे बच्चों, अगर जो चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो आप लोगों का प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉप 10 क्लासेस है, उसका मेन, या हम कह दें कि मेन सिद्धांत है कि फ्री एजुकेशन। और पूरा प्यारे बच्चों, आप लोगों से एक वादा करते हैं कि हर एक टॉपिक आपके क्रम से चलेंगे और हर एक टॉपिक पे न्यूमेरिकल आपको क्रम से मिलेंगे। डियर स्टूडेंट, आप एक बार केवल इस क्लासेस पर विश्वास जताइएगा, ठीक। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आवेशन, आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां जानने से पहले आवेशन जान लेते हैं। आवेशन होता क्या है? तो कोई भी चालक ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? कोई चालक ले लेते हैं। अब कोई चालक ले लिए, उस चालक पे आवेश उत्पन्न करना ही, आवेश उत्पन्न करना ही वो क्या कहलाता है? आवेशन कहलाता है। हमने क्या बताया? जैसे ये दो कोई चालक हो गए, ये दो कोई चालक हो गए। अब कहोगे सर चालक क्या होता है? चालक वो होते हैं जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित होते हैं। वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है वो चालक कहलाते हैं। तो ये दो चालक हो गए, क्या हो गए? दो चालक हो गए। फिलहाल इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, जस्ट इमेजिन के दो कोई चालक है, इस पे आवेश उत्पन्न करना ही, इस पे आवेश को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? आवेशन कहलाता है। क्लियर हुई बातें? बातें क्लियर हुई प्यारे बच्चों? तो आवेश उत्पन्न, चालक पर आवेश उत्पन्न करने की जो विधियां होगी वो क्या कहलाएगी? आवेशन की विधियां कहलाती है, आवेशन की विधियां कहलाती हैं। अगर आप आवेशन लिखना चाहते हो तो डियर स्टूडेंट हम बोल दे रहे हैं, आप लिख सकते हैं क्या? किसी चालक पर, किसी चालक पर आवेश उत्पन्न करना ही आवेशन कहलाता है। आवेशन की कितनी विधियां हैं? तीन विधियां हैं। आवेशन की कितनी विधियां हैं प्यारे बच्चों? तीन विधियां हैं। सबसे पहली विधि होती है चालन विधि। तो आवेशन की विधियों में यह निम्न रूप से तीन प्रकार की हैं, या हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? कि किसी चालक पर, किसी चालक पर आवेश, आवेश उत्पन्न करना ही, आवेश उत्पन्न करना ही आवेशन कहलाती है, आवेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। यह निम्न रूप से तीन प्रकार की होती है, या हम लिख सकते हैं आवेशन के प्रकार। तो आवेश, यह निम्न रूप से तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है चालन विधि। सबसे पहली विधि क्या होती है? चालन विधि। कौन सी विधि होती है? चालन विधि। दूसरा होता है प्रेरण विधि। कौन सी विधि होती है? प्रेरण विधि। और तीसरी विधि होती है घर्षण विधि। कौन सी विधि होती है? घर्षण विधि। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली विधि कौन सी होती है? चालन विधि। दूसरी विधि होती है प्रेरण विधि। तीसरी विधि होती है घर्षण विधि। यानी तीन विधि से किसी भी चालक पर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि चालन विधि क्या होती है प्यारे बच्चों। तो चालन विधि क्या होती है, एक हम लोग डायग्राम से समझते हैं क्या होता है चालन विधि। तो आइए हम इन तीनों को अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं और अलग अलग पार्ट में समझ लेंगे कि चालन विधि और प्रेरण विधि और घर्षण विधि क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, इस विधि में क्या होता है कि जब आप कोई आवेशित चालक लेते हैं, क्या लेते हैं? कोई आवेशित चालक लेते हैं। तो ये कोई क्या हो गया? आवेशित चालक हो गया प्यारे बच्चों, जिसपे पूर्ण रूप से क्या है? धनावेशित है। क्या है? धनावेशित है।
ध्यान से समझिएगा, ये कोई आवेशित चालक है और ये कोई है अनावेशित चालक। ये क्या है? कोई अनावेशित चालक है, इस पे आवेश नहीं है। ये क्या है? अनावेशित चालक। ध्यान से समझिएगा। और ये क्या है? आवेशित चालक। ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा कि जब कोई आवेशित चालक लेते हैं और जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के संपर्क में लाते हैं, संपर्क में यानी एक दूसरे से स्पर्श कराते हैं। जैसे जस्ट इमेजिन, ये आपका आवेशित चालक हो गया, ब्लैक वाला मार्कर आवेशित चालक हो गया, रेड वाला मार्कर अनावेशित चालक हो गया। जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के संपर्क में लाते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के संपर्क में लाते हैं तो संपर्क में लाने के बाद अनावेशित चालक आवेशित हो जाता है। अनावेशित चालक क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार जो आवेश उत्पन्न होता है या इस प्रकार आवेश उत्पन्न करने की विधि कौन सी विधि कहलाती है? चालन विधि कहलाती है। बातें क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? हमने क्या कहा, जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक को स्पर्श कराते हैं, स्पर्श कराने के बाद इसका जो आवेश होता है इस पे आ जाते हैं, तो इस प्रकार आवेश उत्पन्न करने की जो विधि होती है वो कौन सी विधि कहलाती है? चालन विधि कहलाती है। तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? यदि किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक से स्पर्श कराएं तो अनावेशित चालक पर उसी अनावेशित चालक पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश उत्पन्न करने की यह विधि यह विधि कौन सी विधि कहलाती है? चालन विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है डियर स्टूडेंट? चालन विधि कहलाती है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम इसको इससे स्पर्श कराएं तो इसका इससे आवेश इस पे कैसे आ गए? प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा कि जब हम लोग इसको इससे स्पर्श कराते हैं, जब हम इसको इससे क्या करते हैं, स्पर्श कराते हैं, तो एक मिनट के लिए इमेजिन कीजिएगा कि अगर ये जो प्लस वाले आवेश हैं, अगर ये ऋणात्मक आवेश रहे होते, पूरा ऋण आवेशित रहे होते, क्या रहे होते? एक मिनट के लिए जरा सा सोचिएगा कि ये जो प्लेट होते ये क्या होते? ऋण आवेशित होते। क्या होते? ऋण आवेशित होते। पूर्ण रूप से क्या होते? ऋण आवेशित होते। तो जब इसको हम इसके संपर्क में लाते तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ध्यान से समझिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण इलेक्ट्रॉनों का दाब अधिक होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों का दाब क्या होगा? अधिक होगा। जैसे ही इसको इसके संपर्क में लाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के दाब के कारण इसमें का इलेक्ट्रॉन इस पे आने लगते हैं, इसमें का इलेक्ट्रॉन इस पे आने लगते हैं, और यह तब तक प्रोसेस चलता रहता है जब तक दोनों पर आवेश समान रूप से बट न जाएं। तो दोनों पर जब आवेश समान रूप से हो जाते हैं तो दोनों इस प्रकार इस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिस
जिससे संपर्क कराओगे, अगर धनावेश से संपर्क कराओगे तो धनावेश उत्पन्न होगा, ऋणावेश से संपर्क कराओगे तो ऋणावेश उत्पन्न होगा। तो उम्मीद करते होंगे कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दूसरी विधि चलते हैं। दूसरी विधि कौन सी है? प्रेरण विधि। कौन सी विधि है? प्रेरण विधि। तो आइए प्रेरण विधि को समझते हैं। तो इसको भी हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो डायग्राम क्या है ऐसे समझिएगा, यहां दो ठो विद्युत रोधी कह सकते हैं, दो ठो हम लोग पदार्थ ले लेते हैं या दो चालक लेते हैं। क्या लेते हैं? दो ठो गोला ले लेते हैं। ध्यान समझिएगा, क्या ले लेते हैं? दो ठो गोला लेते हैं। तो दो गोला ले लिए, ये गोला ए हो गए, ठीक। और एक गोला क्या हो गया? बी हो गया, ठीक। ध्यान समझिएगा, दोनों एक दूसरे के क्या है? संपर्क में है। गोला ए और गोला बी क्या है? एक दूसरे के क्या है? संपर्क में है। और इनको किसी विद्युत रोधी स्टैंड में क्या करते हैं? रख देते हैं, विद्युत रोधी स्टैंड पर रख देते हैं। इसको भी और इसको भी, ठीक। गोले ए और गोले बी को ये देखिएगा, ये दोनों गोला क्या है प्यारे बच्चों? आवेश रहित है, यानी इस पे आवेश जो है उदासीन है। हम कह सकते हैं इस पे आवेश दोनों गोलों पर क्या है? उदासीन है। कैसे उदासीन है? क्योंकि जितना इस पे प्लस आवेश है उतना इस पे माइनस भी है, जितना इस पे प्लस है उतना इस पे भी माइनस है। जब किसी दो गोले को हम लोग किसी आवेशित चालक के संपर्क में लाते हैं, किसके संपर्क में? आवेशित चालक के समीप लाते हैं, आवेशित चालक के समीप लाते हैं। आइए अगले चीज में। अब अगले चीज में हम लोग क्या बनाते हैं? अगले चीज में यही बनाते हैं, दो ठो गोला ले लेते हैं, गोला ए भी ले लेते हैं और गोला क्या ले लेते हैं? बी भी ले लेते हैं, गोला बी। इसको विद्युत रोधी स्टैंड पे आपने रखा है, रख लीजिएगा, ठीक। ये रख लिए, फिर इसको भी विद्युत रोधी स्टैंड पर रख देंगे, ठीक। ये गोला ए और बी हो गए। अब ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, कहानी तो अब स्टार्ट होने वाली। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्या बताया कि दो आपके जो है गोले हैं जो कि आवेश रहित है, यानी इस पे आवेश जो है पर उदासीन है। दोनों क्या है? उदासीन है, यानी जितने इस पे प्लस होंगे उतने माइनस होंगे, जितने इस पे प्लस होंगे उतने माइनस होंगे। तो अगर आपको दिक्कतें आ रही होंगी तो हमने क्या बताया कि अब इन दोनों गोलों को किसी आवेश रहित, किसी आवेशित चालक के पास में ले जाते हैं, किसी आवेशित चालक के पास ले जाते हैं। ये कोई आवेशित चालक हो गया। हमने क्या बताया कि जब किसी आवेश रहित गोले को या आवेश रहित चालक को आवेशित चालक के पास ले जाते हैं, ये क्या है? आवेशित चालक है। ध्यान समझिएगा, हमने क्या बताया? जब किसी आवेश रहित चालक को आवेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है, आवेशित चालक के पास में लाया जाता है, उनसे स्पर्श नहीं कराते प्यारे बच्चों, बल्कि क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, ये आपका आवेश रहित है यानी इस पे उदासीन है। जब इसको हम लोग इसके पास में ले जाएंगे, जब इसके पास में लेके जाएंगे तो ये क्या करता है? ये देखिए, ये धनावेशित है तो ये क्या करेगा? ऋण, इसमें जितने ऋण आवेश रहेंगे, जितने इसमें ऋण आवेश रहेंगे वो इस किनारे पे आके क्या हो जाएंगे? जितने ऋण आवेश रहेंगे वो इस किनारे पे आके आ जाते हैं और जितने धनावेश रहते हैं वो इस किनारे पे आ जाते हैं। तो इस प्रकार इस पे आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश उत्पन्न करने की यह विधि कौन सी विधि कहलाती है? प्रेरण विधि कहलाती। एक बार फिर से क्लियर करते हैं, क्या कि किसी भी दो आवेश रहित गोले को आवेशित चालक के संपर्क में आवेशित चालक के पास लाते हैं। क्या लाते हैं? पास में लाते हैं। फिर से, जब किसी दो विद्युत रोधी या हम कह सकते हैं जब किसी दो आवेश रहित गोले को, जब किसी दो आवेश रहित गोले को यानी जिनमें आवेश की मात्रा उदासीन है, जब किसी दो आवेश रहित गोले को किसी आवेशित चालक के पास में लाया जाता है तो इसके पास जैसे लाएंगे तो इसके विपरीत प्रकृति का जो आवेश होता है वो
नजदीक वाले पृष्ठ पे उत्पन्न हो जाता है और इसके विपरीत प्रकृति का जो आवेश होता है नजदीक पृष्ठ पे उत्पन्न हो जाता है और इसके इस प्रकृति का जो आवेश रहता है वो दूसरे वाले पृष्ठ पे उत्पन्न हो जाता है। तो यह जो विधि कहलाती है ये कौन सी विधि कहलाती है? आपकी प्रेरण विधि कहलाती है। अगर आपको ये एग्जाम्पल न समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, तो एक बार दूसरे एग्जाम्पल से आइए समझ लेते हैं। क्या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं? जैसे अभी इसको बाद में चर्चा करेंगे, जैसे आपने क्या लिया कि कोई आवेश रहित चालक, हम बार बार कह रहे हैं कि आवेश रहित चालक क्या होता है, जितने इस पे प्लस रहेंगे, ध्यान समझिएगा, जितने इस पे क्या रहेंगे प्लस रहेंगे उतने ही इस पे माइनस रहेंगे, वही आपका क्या हो जाता है? आवेश रहित। वही आपका क्या हो जाता है? आवेश रहित हो जाता है। तो ये आपका क्या है? आवेश रहित है। क्या है? आवेश रहित, यानी इस पे आपका उदासीन है आवेश। ठीक। अब जब किसी आवेश रहित चालक को आवेशित चालक के पास में लाया जाता है, आवेशित चालक के पास में लाया जाता है, कौन सा आवेशित है? धनावेशित है। क्या है? धनावेशित है। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बताया कि जब किसी आवेश रहित चालक को धनावेशित चालक के पास में लाया जाता है, तो आपने आवेश का गुण पढ़ा था कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जो प्लस वाला होगा वो माइनस को क्या कर लेगा? इस सिरे पर खींचने का प्रयास करेगा, और जो प्लस वाले हैं वो प्लस को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो आगे आपको क्या मिलेगा? आगे आपको देखने को मिलेगा कि इस पे इधर इसके नजदीक वाले भाग में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएंगे और दूर वाले भाग में क्या उत्पन्न हो जाएगा? धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो जो वो प्लेट होगा, वो प्लेट जो आपका आवेश रहित प्लेट होगा, वो उस पे ऐसे कुछ देखने को मिलेंगे कि माइनस वाले जो आवेश हैं वो एक तरफ हो जाएंगे और जो प्लस वाले आवेश होंगे वो एक तरफ हो जाएंगे। तो आवेश उत्पन्न करने की यह विधि कौन सी विधि कहलाती है? प्रेरण विधि कहलाती है। एक बार फिर से आप समझ सकते हैं कि आवेश रहित चालक को आवेशित चालक के पास में लाकर आवेश उत्पन्न करने की जो विधि होती है वो विधि क्या कहलाती है? प्रेरण विधि कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आवेश रहित चालक को आवेशित चालक के पास में लाकर आवेश उत्पन्न करने की विधि प्रेरण विधि कहलाती है। प्रेरण विधि कहलाती है। बातें क्लियर हो गई। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं घर्षण विधि का। कौन सी विधि का? घर्षण विधि। तो घर्षण विधि क्या होती है? घर्षण विधि होती है कि यह विधि क्या होती है डियर स्टूडेंट, कि जिन वस्तुओं पे आवेश उत्पन्न करना रहता है, जैसे इन दोनों वस्तुओं पे आवेश उत्पन्न करना हुआ, तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? रगड़ देंगे। यानी जिन वस्तुओं पे आवेश उत्पन्न करना रहता है उन दोनों वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं? रगड़ते हैं। तो रगड़ कर आवेश उत्पन्न करने की जो विधि होती है वो कौन सी विधि कहलाती है? घर्षण विधि कहलाती है। एक बार पुनः फिर से रिपीट कर लेते हैं, जिससे जो भी डाउट होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। हमने क्या बताया? जो यह विधि होती है, इस विधि में आवेश जो उत्पन्न होता है वो दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ने पर होता है। तो लिखते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिखते हैं? घर्षण विधि में क्या लिखेंगे? इस प्रकार के विधि में जिन वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न करना रहता है उन वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं।
आपस में रगड़ते हैं। आइए एक एग्जांपल लेके समझते हैं प्यारे बच्चों। जैसे हमने क्या कहा कि ये कोई परमाणु ले लिए, ठीक, और ये परमाणु का नाभिक हो गया, और उसके बाद ये दूसरा कोई परमाणु ले लिए, इसका भी कोई एक नाभिक हो गया। इसमें 7 प्रोटॉन थे, इसमें 8 प्रोटॉन थे, तो 7 प्रोटॉन होगा तो 7 ठो इलेक्ट्रॉन भी होगा। क्या होगा? 3, 4, 5, 6, 7। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक। अब इन दोनों को आपस में क्या करते हैं? रगड़ते हैं। इन दोनों परमाणुओं को आपस में क्या करते हैं? रगड़ते हैं। तो रगड़ने के बाद जो इसमें के 1-2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनका स्थानांतरण हो जाएगा, यानी ये अपने कक्षा को छोड़कर, ये अपने कक्षा को छोड़कर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा को छोड़कर इस परमाणु पे चले जाएंगे, इस परमाणु पे चले जाएंगे। तो इस परमाणु पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये कौन से आवेश कहलाए? ऋण आवेश हो गए। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई तो ये कौन से आवेश कहलाए? धन आवेश कहलाए। कौन से आवेश कहलाए? धन आवेश कहलाए। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे दोनों वस्तुओं को रगड़कर आपस में आवेश उत्पन्न किया जाता है। तो जब दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाते हैं, जिसके कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये आज आपके आवेशन की जो तीनों विधियाँ थी वो आपके समाप्त हो गए हैं। प्यारे बच्चों, आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, और प्यारे बच्चों दोस्तों के साथ, फ्रेंडों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।